आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कौन कौन से सोलर पैनल्स हैं, किस कंपनी के ये सोलर पैनल्स हैं और ये ब्लू और ब्लैक में डिफरेंस क्या है। कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आपको सोलर पैनल्स खरीदने हैं फ्यूचर में अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं के लिए भी, तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया की दो बड़ी सोलर कंपनी के सोलर पैनल्स को आपस में। जी हाँ, ये दोनों कंपनी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम इनके सोलर पैनल्स को आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या क्या दोनों में समानताएँ हैं और क्या क्या इन दोनों में विशेषताएँ हैं। इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है वो है, हम बात करेंगे सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च किया लेकिन ऐसी कोई भी खास वीडियो मेरे को दिखाई नहीं दी जिसमें सोलर पैनल स्ट्रक्चर के बारे में इतना डिटेल में बताया हो। तो आज हम जानेंगे कि सोलर पैनल स्ट्रक्चर जब आप लगवाते हैं अपने घर में तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें जितनी काम की चीज़ आपको मिलेगी उतनी शायद ही कहीं किसी और वीडियो में मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला है ब्लू कलर का सोलर पैनल आपको दिख रहा है और ये है ल्यूमिनस कंपनी का। ल्यूमिनस कंपनी का नाम आप सबने सुना है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी टाइम से इंडिया में है। पहले इनके इन्वर्टर्स और बैटरीज आप लोग यूज़ करते थे लेकिन अब जब से थोड़ा इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है तब से ये ल्यूमिनस का नाम आने लगा है। तो ल्यूमिनस के सोलर पैनल है ये वाला और ये ब्लू कलर का सोलर पैनल है और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इसके एक स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा है ये इसका एक सोलर सेल है और ये पूरा स्क्वायर शेप में है, कहीं पर इसमें यहाँ पर कट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का सोलर पैनल आपको दिख रहा है, कंप्लीट ब्लैक कलर का सोलर पैनल है। हाइट और विड्थ की मैं बात करूँ तो लगभग उस सोलर पैनल के बराबर ही है और ये है लूम सोलर कंपनी का। अब लूम सोलर कंपनी इंडिया में नई कंपनी आई है, ये पहले कंपनी नहीं थी, लास्ट ईयर इसके प्रोडक्ट्स इंडिया में आपको देखने को मिले होंगे तब से। तो लूम सोलर का सोलर पैनल में आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है, प्लस जो इसका ब्लैक कलर का सोलर पैनल है ये बताता है कि ये मोनो सोलर पैनल है। वहीं पर ल्यूमिनस का जो सोलर पैनल है ये पॉली सोलर पैनल है। अब जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो पॉली सोलर पैनल होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है करंट बनाने जनरेट करने की वो मोनो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो मोनो सोलर पैनल होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो इस वाली बात में लूम सोलर के पास प्लस पॉइंट है कि वो मोनो सोलर पैनल्स बनाते हैं लेकिन ल्यूमिनस वाले के जो सोलर पैनल्स हैं वो पॉली हैं, वो इसके मुकाबले थोड़े कम हैं। अब इसका जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो आपको बता ही दिया मैंने कि ब्लैक कलर का है और वो ब्लू कलर का है, ये डिफरेंस है। दूसरा, जो मैंने इसका सोलर सेल आपको दिखाया था ये स्क्वायर शेप में आपने देखा होगा और इसका जो सोलर सेल है एक, उसके अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये छोटे छोटे कट्स आपको दिखाई देंगे, साइड से कटा हुआ होता है थोड़ा सा, तो ये पहचान होती है कि ये मोनो सेल्स हैं। तो ये वाला जो हमारा पैनल हो गया ये लूम सोलर का हो गया, मोनो पैनल है, और ये वाला हमारा ल्यूमिनस का हो गया और ये पॉली पैनल है। तो फ्रंट से आपको दिख रहा है इनकी दोनों की लगभग हाइट और जो विड्थ है वो आपको सेम सेम दिख रही होगी। जो आपको एफिशिएंसी है वो मैंने बता दी है कि उसमें करंट जनरेट करने की जो पावर है वो मोनो में ज़्यादा होती है पॉली के मुकाबले। बाकी अब इसको पलट कर एक बार देख लेते हैं कि इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या इनमें बढ़िया बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए इसको पलट के देखते हैं एक बार। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप देख सकते हो मैंने दोनों पैनल्स को पलट दिया है ताकि मैं आपको पीछे से दिखा सकूं कि क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन है पैनल्स के ऊपर और किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो पहली चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ल्यूमिनस वाला है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है ये ल्यूमिनस वाला है, और दूसरा हमारा लूम सोलर का मोनो पैनल है और वो वाला पॉली पैनल है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ये कार्ड आपको दिखाई देगा जो कि वारंटी कार्ड है, जिससे पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की, इस पैनल की वारंटी कितनी है। ये वारंटी कार्ड आपको अपने पास रखना होता है। दूसरा, अगर ल्यूमिनस की बात करें तो ये इनका वारंटी कार्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। फिर अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, जो सोलर पैनल के कनेक्शंस होते हैं वो सारे यहीं पर आते हैं और यहाँ से इसका आउटपुट ये वायर होता है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनका ये जंक्शन बॉक्स है। अब जंक्शन बॉक्स और पैनल्स की अगर हम बात करें तो हम जब भी शॉप पे जाते हैं परचेज़ करने तो हम देख लेते हैं मोनो पैनल है या पॉली पैनल है या कितने वॉट का है या सही चल रहा है कि नहीं, लेकिन इस छोटी चीज़ को कोई ध्यान में नहीं देता कि ये जंक्शन बॉक्स है। इसके यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं IP68
और यहाँ पर इस वाले जंक्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है IP67। तो जब मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश करी तब मुझे पता चला कि जो IP67 है, IP66 और IP65, ये क्वालिटी है जंक्शन बॉक्स की जो बताती है कि ये कितने ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट हैं। तो जो IP65, IP66 और IP67 है वो वाले जो जंक्शन बॉक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते, मतलब अगर थोड़ा बहुत उन पर पानी पड़ गया तो थोड़ी बहुत देर के लिए वो झेल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ जाती है या पानी का ज़्यादा वो खतरा होता है, तो वहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है वो मानी जाती है IP68 की। तो इस वाले पॉइंट में भी लूम सोलर को मैं एक नंबर देना चाहूँगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनस के मुकाबले, क्योंकि जो इनका जंक्शन बॉक्स है उसकी जो क्वालिटी इन लोगों ने ध्यान में रखी है वो है IP68, जो कि ल्यूमिनस के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया है। अब उसके अलावा जो दूसरी बात कर लेते हैं वो इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं ये 350 वॉट का सोलर पैनल है, और इधर ल्यूमिनस का देखें तो ये 325 वॉट का सोलर पैनल है। तो अपने अपने हिसाब से जो इन्होंने स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज होगी वो 38.48 होगी, वहीं पर इन्होंने अपनी बताई है कि जो इनकी पीक वोल्टेज होगी वो भी 38 वोल्ट होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जो दूसरी बात मेरे को सबसे बढ़िया लगी लूम सोलर के बारे में वो कि जो इनका यहाँ पर स्पेसिफिकेशन स्लिप है, जो यहाँ पर इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस मेंशन कर रखा है वो अपना खुद का कर रखा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन वहीं पर अगर मैं ल्यूमिनस का देखता हूँ तो मेरे को एक नया नाम देखने को मिला जो है प्रीमियर सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्रीमियर सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब ये है कि जो ल्यूमिनस के सोलर पैनल्स हैं वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो प्रीमियर सोलर सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है जो इनके पैनल्स बना रही है और ल्यूमिनस वाले उसको सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लूम सोलर की बात करें तो वो अपने सोलर पैनल्स खुद बना रहे हैं। बाकी एक चीज़ जो दोनों में बढ़िया आती दोनों सोलर पैनल्स में वो थी यहाँ पर इनका सर्टिफिकेशन। तो जब मैंने सर्टिफिकेशन की पता करी तो एक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है सोलर पैनल्स का जो उन्हें अलाउ करता है कि उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया रहे, उसको बोलते हैं CE सर्टिफिकेशन होता है। तो इनके जो स्पेसिफिकेशन स्लिप होती है उस पर ये मेंशन करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो CE सर्टिफाइड हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लूम सोलर का है वो CE सर्टिफाइड है, और वहीं पर अगर ल्यूमिनस का आप देखेंगे तो वो भी CE सर्टिफाइड है। तो दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो CE सर्टिफाइड हैं, तो इस मामले में दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है, दोनों ही सोलर पैनल्स बढ़िया हैं। इसके अलावा अगर एक चीज़ मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि जो लूम सोलर है यहाँ पर एक इनकी स्लिप लगी हुई है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है जो यहाँ पर नंबर्स दिखा रहा है कुछ, तो ये इनकी क्वालिटी चेक रिपोर्ट होती है। जब भी ये सोलर पैनल्स कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन के तैयार होते हैं और वहाँ से बाहर जाते हैं तो उसके बाद इनका क्वालिटी चेक होता है, तो क्वालिटी चेक की जो इनकी रिपोर्ट होती है वो मैच करानी होती है जो इनका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। तो जो लूम सोलर की है इनकी भी यहाँ पर रिपोर्ट है, ल्यूमिनस वालों की यहाँ पर आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन ल्यूमिनस वालों की भी क्वालिटी चेक रिपोर्ट है, उनकी भी होती है। तो उससे ये पता चलता है कि वो वाला जो सोलर पैनल है वो क्वालिटी चेक पास हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही वो आगे बाहर जाता है सेल होने के लिए। तो ये दोनों के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको फ्रंट में से दिखा दिया, पॉली ल्यूमिनस के पॉली पैनल्स हैं और लूम सोलर के मोनो पैनल्स हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं। पीछे से मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस इनके दिखाने की कोशिश करी है, इनके साथ जो जो इनकी चीज़ें इंक्लूडेड थी वो आपको दिखाई हैं। दोनों में आपको केबल भी मिलती है और उनके जो कनेक्टर्स हैं वो भी केबल में आपको लगे हुए मिलते हैं। सोलर पैनल के बाद जो सबसे लास्ट चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है सोलर पैनल का स्ट्रक्चर, स्टैंड बोल सकते हैं आप जिस पर हम सोलर पैनल लगाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सोलर पैनल से भी ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोलर पैनल है वो आपको घर के बाहर लगाने होते हैं और 25 साल की उन पर वारंटी होती है। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर के बाहर लगा रहे हैं तो आपको जो सबसे मेन चीज़ का ध्यान देना चाहिए वो ये कि वो 25 साल तक टिक सके। तो अगर आप कोई लोकल स्टैंड या स्ट्रक्चर ला के लगाएंगे लोहे का या किसी और चीज़ मेटल का तो वो 25 साल तक नहीं जलेगा, उसमें या तो जंग लगेगा या वो टूट के गिर जाएगा, उखड़ जाएगा, जो भी होगा दिक्कत आपको होगी, नुकसान आपका होगा। तो जो सब प्रेफर करते हैं सोलर पैनल्स के लिए वो है GI स्ट्रक्चर, उसको गैल्वनाइज्ड आयरन बोलते हैं इसको, और इस पर जिंक की कोटिंग होती है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस पर जंग नहीं लगता। मेरे खुद के घर पर ये GI स्ट्रक्चर का स्टैंड लगा हुआ है और पिछले 1.5 साल से बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस GI स्ट्रक्चर के बारे में आज मैं पहली बार वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे पहले मैंने इसके बारे में बात नहीं करी। तो जो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है वो कुछ चीज़ें आपकी हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी आप कनेक्ट कैसे करें। तो एक ये जो आपको लंबे वाली बार दिख रही है ऐसी बार, एक ये वाली है, तो इन दोनों में ऊपर की तरफ यहाँ पर होल्स हैं, ये होल्स ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये होल्स ऊपर की तरफ होने चाहिए ताकि जो सोलर पैनल्स हैं वो आप इसके ऊपर टिकाओगे और इसमें नीचे से नट कस दोगे।
उसके बाद जो इसका कनेक्शन है, जो ये लंबे वाली रोड है छोटे वाली जो सीधी खड़ी है, इसका मुंह बाहर की साइड होना चाहिए। ऐसी बड़े वाली की बात करें तो उसका मुंह भी बाहर की साइड होना चाहिए। जो छोटे वाली रोड है वो आगे की तरफ रहेगी और बड़े वाली पीछे की तरफ। और ये एक एंगल होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने घर पर बना सकते हैं, ये एक एंगल होता है जो लैटिट्यूड एंगल पर डिपेंड करता है। तो हर स्टेट का ये लैटिट्यूड एंगल अलग होता है, और वो इसलिए अलग होता है कि लैटिट्यूड एंगल से हमें ये पता लगता है कि सूरज हमारे पैनल्स पर एकदम सीधा धूप किस एंगल में डालता है। तो हर स्टेट का अलग होता है। अगर आपको अपने स्टेट का पता करना है तो आप अपने स्टेट का नाम लिख के उसके आगे लैटिट्यूड एंगल, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली का पता करना चाहता हूँ तो दिल्ली लैटिट्यूड एंगल ऐसा लिख कर गूगल पर सर्च करिए, तो आपको वहाँ पर गूगल आपके स्टेट का लैटिट्यूड एंगल आपको दिखा देगा। तो जो ये एंगल बनता है, ये वाला, ये छोटी रोड और ये बड़ी रोड लगाने के बाद ये जो एंगल बनता है, ये लैटिट्यूड एंगल आपका जो स्टेट का लैटिट्यूड एंगल है उससे मैच करना होता है। अगर वो मैच करता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर सोलर पैनल्स इसके ऊपर रखने होते हैं। एक लास्ट चीज़ का जिसको आपको ध्यान देना है वो है नीचे इसके कनेक्शन। तो 25 साल के लिए आपको ये अपनी छत पर या बाहर जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। 25 साल में आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे और भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 साल तक ये स्ट्रक्चर हिले नहीं, एकदम मजबूत टिका रहे। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं, जो यहाँ पर इसके यहाँ पर होल्स देख रहे हैं आप, इसमें आपको पहले नट बोल्ट्स कसने होंगे, ड्रिल करके नट बोल्ट्स कसने होंगे, और उसके ऊपर आप ऐसे चारों तरफ से ईंट लगा के और उसके ऊपर कंक्रीट डाल के उसको मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको आने वाले काफ़ी सालों तक उसकी तरफ से दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर तो आपका मजबूत है ही, गैल्वनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर है, कनेक्शन उसके ठीक से कर लीजिए और नीचे ग्राउंड में उसको मजबूत अच्छे से कर दीजिए। उसके बाद जितनी आपकी पैनल्स की वारंटी है 25 साल, उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर भी चल जाएगा। ये लास्ट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं चाहता हूँ कि सोलर पैनल्स के साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ बढ़िया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और सवाल हो आपके तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवाल के जवाब देने की। बाकी थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आपको बढ़िया लगे तो। बस थैंक यू।